हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनविंसिबल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास है सैमसंग का 970 ईवो प्लस NVMe M.2 SSD। ये Gen3 SSD है। इस पे आपको मिलेगा रीड स्पीड 3500 Mbps का और राइट स्पीड अराउंड 2900 या 2900 का राइट स्पीड आपको यू विल गेट। चलिए, मतलब ये तो जो लिखा हुआ है उसको हम चेक करेंगे। और चेक करने के लिए मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा, क्रिस्टल डिस्क मार्क का बेंचमार्क टेस्ट सॉफ्टवेयर, और रियल लाइफ टेस्ट के लिए कॉपी पेस्ट टेस्ट चेक करेंगे और देखेंगे कि कितना स्पीड मिलता है। तो फ्रेंड्स, बेंच मार्किंग टेस्ट के लिए जो मैं कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहा हूँ कंप्यूटर में, वो कुछ इस तरीके से है जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो। सीपीयू मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटेल का 11th Gen Core i9 11900K, और मैं यूज़ कर रहा हूँ आपका ये जो मेरा ड्राइव ई है या फोर्थ डिस्क है, वो आप देख सकते हैं सैमसंग SSD 970 EVO प्लस 1 TB का है। तो इसी को हम बेंचमार्क टेस्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें क्रिस्टल डिस्क मार्क ओपन करना पड़ेगा। तो हमने ये क्रिस्टल डिस्क मार्क ओपन कर लिया है, और एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि कौन सा ड्राइव है 970 EVO का। तो परफॉर्मेंस में जाके ये डिस्क सी, जो चौथा डिस्क ई है, वो सैमसंग का 970 वो प्लस 1 TB है। तो हम टेस्ट करेंगे डिस्क ई को। तो डिस्क ई, यहाँ डिस्क ई पे सेलेक्ट किया और सिर्फ रीड और राइट स्पीड देखेंगे, बाकी सब नहीं देखेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, थोड़ा वेट करते हैं। जैसा कि उसमें कवर पे लिखा था कि 3500 का रीड स्पीड मिलेगा, यहाँ पे लगभग 3300, जो कि नियरली उसी के आसपास का स्पीड दे रहा है। तो काफ़ी अच्छा स्पीड है। राइट का आप देख लेते हैं। राइट स्पीड भी लगभग सिमिलर है। तो रीड और राइट स्पीड लगभग 35000 के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा है। सैमसंग की ब्रांडिंग है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेंचमार्क टेस्ट में तो ये पास होता है। अब रियल लाइफ टेस्ट करके देखते हैं। रियल लाइफ टेस्टिंग के लिए मैं एक वीडियो, वैसे तो हमें ड्राइव ई पे ही कॉपी करना है, तो ड्राइव डी से मैं एक वीडियो उठाऊंगा मूवीज़ से। इसमें मैं ये वीडियो उठाता हूँ, लगभग 40 GB का है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको सॉफ्टवेयर, मतलब जो ई ड्राइव है, उसमें पेस्ट करता हूँ। ये 970 EVO ड्राइव है, जैसा कि आप देख सकते हो 1.6 1.9, 2 GB तक का लगभग एवरेज आप देखेंगे तो 2 GB PS पर सेकेंड का स्पीड आपको मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें Gen3 से Gen4 SSD में अपग्रेड करना चाहिए। तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि लगभग स्पीड सेम ही मिलता है, और Gen3 की SSD थोड़ी सस्ती होती हैं, और आजकल Gen4 के SSD जैसे कि वेस्टर्न डिजिटल के, वो सिमिलर प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास Gen4 का मदरबोर्ड है तो आप Gen4 में जा सकते हैं, अगर नहीं है तो Gen3 ही रखिए, काफ़ी अच्छा है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है Gen3 और Gen4 के SSD के स्पीड में।
तो बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।